देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के। कोसी कला में सरकारी योजनाओं के तहत गरीब मजदूरों असहाय को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए श्रम कार्ड शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने श्रम कार्ड बनवाए। नगर के वाल्मीकि मंदिर स्थित मकान पर गरीब असहाय मजदूरों पर रेहड़ी वालों के लिए ई श्रम कार्ड बनाए गए। इस श्रम कार्ड से मजदूरी का काम करने वाले लोगों का डाटा सरकार के पास पहुंच जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। श्रम कार्ड शिविर के संयोजक डॉक्टर अमर सिंह पोनिया ने बताया कि सरकार द्वारा गरीबों को सीधे लाभ पहुँचाने को लेकर इस श्रम कार्ड की योजना बनाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कोसी कला दूसरा ऐसा शहर है जहां से गरीब असहाय मजदूरों के श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह एक गौरव वाली बात है कि कोसी कला में इस तरह के कार्ड बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपने श्रम कार्ड बनवाने की अपील की। कोसी कला मथुरा से यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सुनील अनंत की रिपोर्ट। श्रम कार्ड का यहाँ शिविर लगाया गया है वाल्मीकि मंदिर पर, इसके बारे में क्या क्या जानकारी देना चाहेंगे? ई श्रम कार्ड है, ये एक जो गरीब लोगों के लिए, रिक्शा वाले, ढकेल वाले, जो कम मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, तो उनका ये तो डाटा इकट्ठा होगा। और दूसरा ये कि अब तक जो अमीर लोग थे वे भी मिलजुल के अपना राशन कार्ड बनवा लेते थे पहले और उसका लाभ लेते थे, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी और उनको संकोच भी नहीं होता था फ्री का राशन लेने में। तो वे सब सिस्टम जब ई श्रम कार्ड बन जाएगा तो पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। ये केंद्रीय गवर्नमेंट, ये मोदी जी की, आदरणीय मोदी जी की बहुत अच्छी योजना है। जब सब डाटा वहाँ फीड होगा तो उनके खाते में सीधा पैसा भी आएगा, जो भी उनकी मदद करना चाहेंगे तो सीधी मदद वहीं से शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ई श्रम कार्ड की शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश से हुई है, अभी और किसी प्रदेश में नहीं है, और वे भी वाराणसी से हुई है और दूसरी कोसी कला से हो रही है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ई श्रम कार्ड हमारी यूपी में और वे भी हमारे मथुरा जिले में कोसी कला से शुरुआत हो रही है, दूसरे नंबर इसका। कितनी उम्र तक के लोग इसका लाभ ले पाएंगे? इसका लाभ 18 से 60 वर्ष तक के लोग इसका लाभ ले पाएंगे।